हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। आप में से बहुत से व्यूवर मुझे कंटिन्यूस रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं अपनी योगा और मेडिटेशन रूटीन को डिटेल में शेयर करूं। एज़ आई एम नॉट योगा एंड मेडिटेशन गुरु, तो मैं सिर्फ आप सबको योग करने के लिए मोटिवेट कर सकती हूं। और अगर मेरी ये रूटीन आपको हेल्पफुल लगे तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। मैंने पहले भी अपनी वीडियोज़ में बहुत बार बताया है कि मैं अपनी एक्सरसाइजेस को चेंज करती रहती हूँ ताकि बिना बोर हुए मैं अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू रख सकूँ। इसके लिए 3 दिन मैं वर्कआउट करती हूँ और 3 दिन योग। योग एक्सरसाइज करने की एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम प्रॉपर एक पैटर्न को फॉलो करते हैं, जिसमें हर पोस्चर के साथ अपनी ब्रीथ को होल्ड करना ज़रूरी होता है। योग हमारी बॉडी, माइंड और सोल पर वर्क करता है, इसीलिए इसे अपनी लाइफ में अडेप्ट करने के बाद हम कंप्लीट फील करते हैं। और योग को अपनाने से पहले आपको पेशेंट रहना सीखना होगा। सो सबसे पहले खुद के साथ बैठना सीखें। बहुत अच्छा फील होता है मुझे जब थोड़ी देर में खुद के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ और दिमाग में कुछ भी और नहीं चल रहा होता। सो शुरुआत करेंगे सुखासन में बैठ के। एक लंबा गहरा सांस भरेंगे और छोड़ते वक्त ओम का चैंट करेंगे और इसी प्रक्रिया को हम 3 बार दोहराएंगे। सो इसी आसन में बैठे बैठे आप कुछ स्ट्रेचिंग कर सकते हैं जिस दौरान आप अपनी बॉडी को योग करने के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। योग कई प्रकार के होते हैं और उनमें अनलिमिटेड आसन्स भी होते हैं, लेकिन मैं कुछ बेसिक आसन्स को ही फॉलो करती हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं आपको सूर्य नमस्कार के बारे में बताना चाहूँगी। सूर्य नमस्कार 12 योगा पोजेस का बहुत ही पावरफुल सीक्वेंस है जो आपकी बॉडी और माइंड पे पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ता है। कोई भी वर्कआउट शुरू करने से पहले अगर आप 5 to 6 times सूर्य नमस्कार कर लें तो समझें कि आपका पूरा वार्म अप हो गया। और 20 times सूर्य नमस्कार करें तो ये अपने आप में एक फुल बॉडी वर्कआउट है, क्योंकि ये आपके ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट पर वर्क करता है। और अगर आप सूर्य नमस्कार की रेपिटेशंस और स्पीड थोड़ी और बढ़ा लें तो ये आपको कार्डियो का इफेक्ट देगा और वेट लॉस में आपको अमेजिंग रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। और साथ ही सूर्य नमस्कार के अनलिमिटेड बेनिफिट्स हैं और इस पर मैं एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करेंगे स्टैंडिंग आसन्स के साथ। पहला आसन है पृष्ठा आसन, बहुत ही सिंपल आसन है। इसमें आपको अपने दोनों पैरों को थोड़ा सा वाइड करके अपने दोनों हाथ कमर पे रखने हैं और पीछे की तरफ बेंड होना है। और ये प्रक्रिया आपको सांस भरते हुए करनी है। जितनी देर तक और जितना कंफर्टेबली आप बेंड हो सकें उतना आपको बेंड होना है और सांस छोड़ते हुए वापस आपको स्टैंडिंग पोजीशन में आना है। ये आसन हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के साथ साथ हमारी स्पाइन और मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है और साथ ही हमारी बॉडी को दूसरे आसन करने के लिए प्रिपेयर करता है। सेकेंड स्टैंडिंग पोज है वृक्षासन, यानी कि ट्री पोज। इसमें सांस भरते हुए आपको अपनी एक टांग को फोल्ड करते हुए अपने पैर को दूसरी टांग के थाई पे रखना है और एक ही टांग पे बैलेंस करने की कोशिश करनी है और आपके दोनों हाथ सिर के ऊपर नमस्कार की मुद्रा में रहेंगे। इस पोजीशन में जितनी देर कंफर्टेबली आप रह पाएं उसके बाद सांस छोड़ते हुए वापस स्टैंडिंग पोजीशन में आएं और दूसरी तरफ भी ऐसा ही करें। ये आसन हमें बैलेंस करना सिखाता है, जो कि कंसंट्रेशन बढ़ाने में भी हेल्पफुल होता है। स्टार्टिंग में इसे करना आपको मुश्किल लग सकता है, बट स्लोली रेगुलर प्रैक्टिस से आप इसे ब्यूटीफुली कर पाएंगे। स्टार्टिंग में आप हर आसन को 1 से 2 बार ही करें, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस के बाद आप इसको 5 से 6 बार भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आसन है नटराज आसन, लॉर्ड शिवाज पोज। इस आसन में भी आपको खुद को एक टांग पे ही बैलेंस करना है, यानी कि अगर आप लेफ्ट लेग पीछे लेके जा रहे हैं तो लेफ्ट हैंड के साथ ही उसे होल्ड करना है और राइट लेग पे बैलेंस करते हुए राइट हैंड सामने की डायरेक्शन में होगा। इसमें आप धीरे धीरे सांस लेते रह सकते हैं, ऐसे ही दूसरी तरफ भी करें। नेक्स्ट आसन है खड़ा चक्र आसन, द व्हील पोज।
ये आसन हमारे लव हैंडल्स पे काम करता है। जितना ज़्यादा देर हम अपनी साइड्स को स्ट्रेच कर पाएँ उतना ही ज़्यादा इफ़ेक्टिवली साइड फैट को बर्न करता है। सांस भरते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन में झुक जाएं और सांस छोड़ते हुए वापस आएं। नेक्स्ट आसन है पदहस्त आसन, यानी कि फॉरवर्ड बेंडिंग पोज। ये आसन आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है और बेली फैट को रिमूव करने में भी काफ़ी हेल्पफुल है। इसमें हल्का पीछे की तरफ बेंड होके वापस आगे की तरफ बेंड होना है और अपने पैरों को टच करना है। नी आपके बिल्कुल सीधे रहने चाहिए। स्टार्टिंग में तो आप सिर्फ अपने पैरों को ही टच कर पाएं तो भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन जैसे जैसे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी तो आप अपने दोनों हाथ जमीन पर टच करवा सकते हैं। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे बैक आसन्स, और सबसे पहला बैक आसन है उत्थान पद आसन, रेज्ड लेग्स पोज। इस आसन में आपको आपके दोनों हाथ हिप्स के नीचे रखने हैं और सांस भरते हुए अपनी लेग्स को स्ट्रेट वे ऊपर लेके जाना है। देखने में ये 90 डिग्री एंगल जैसा लगेगा, और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपनी टांगों को नीचे लेके आएँ और 60 डिग्री और 30 डिग्री पर रुकते हुए अपनी लेग्स को ज़मीन से टच करवाएं। स्टार्टिंग में आप इसे एक या दो बार करें, रेगुलर प्रैक्टिस से आप इसे 5 से 6 बार दोहरा सकते हैं। ये आसन हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ देता है, साथ ही बैक, हिप और थाई मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। नेक्स्ट आसन है सेतु बंध आसन, ब्रिज पोज। इस आसन में 1 by 1 अपने पैरों को अपने हाथों से पकड़ते हुए हिप्स के बिल्कुल पास लेके आना है और सांस भरते हुए अपनी कमर को ऊपर उठाना है। आपका सिर ज़मीन से लगा रहना चाहिए। कुछ देर इस पोजीशन में रहने के बाद सांस छोड़ते हुए नॉर्मल पोजीशन में आ जाएं। ये आसन डाइजेशन को इम्प्रूव करने के साथ साथ ब्लड सर्कुलेशन को भी इम्प्रूव करता है, स्ट्रेस लेवल को लो करता है और आप अपने ब्रेन और सेंट्रल नर्व सिस्टम में काफ़ी रिलैक्सेशन फील करेंगे। नेक्स्ट आसन है कटिवक्र आसन, यानी कि स्पाइनल ट्विस्ट पोज। इस आसन में भी आपके पैर आपके हिप्स के पास रहेंगे, लेकिन उनमें थोड़ा डिफरेंस रहेगा। हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे और अपनी बॉडी को ट्विस्ट करना शुरू करेंगे। जिस डायरेक्शन में आपका नेक जाएगा उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में अपनी लेग्स को फोल्ड करेंगे। कोशिश करें कि आपके नी जमीन को टच करें। नेक्स्ट आसन है सर्वांग आसन, शोल्डर स्टैंड पोज। इसमें सांस भरते हुए अपने हाथों से अपनी कमर को सपोर्ट करते हुए अपनी टांगों को लिफ्ट करेंगे। टांगें बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। कुछ देर इस पोजीशन में रहने के बाद सांस छोड़ते हुए वापस नॉर्मल पोजीशन में आएंगे। नेक्स्ट है हल आसन, प्लो पोज। इस आसन में भी अपनी कमर को सपोर्ट करते हुए अपनी लेग्स को लिफ्ट करेंगे, लेकिन इस बार अपनी लेग्स को हम अपने सिर के पीछे ले जाएंगे और ज़मीन से टच करवाएंगे और हाथों को वापस मैट पे ले आएंगे, और देखने में ये एक हल की तरह दिखेगा। जब तक कंफर्टेबल लगे उस पोजीशन में रहें, उसके बाद सांस छोड़ते हुए वापस नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएं। बिगिनर्स इन दोनों आसन्स को अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप खुद को फ्लेक्सिबल फील करें तो इन्हें ट्राई कर सकते हैं। ये आसन हमारे स्ट्रेस एंड फटीग को रिड्यूस करता है, जिससे हमारा ब्रेन काफ़ी कूल एंड काम फील करता है। हमारे शोल्डर्स एंड स्पाइन को स्ट्रेच करता है, जिससे कि बैकएक और हेडेक जैसी प्रॉब्लम से रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट है नौका आसन, यानी कि बोट पोज। इसमें सांस छोड़ते हुए अपने लोअर बॉडी पार्ट और अपर बॉडी पार्ट को लिफ्ट करेंगे। आपके हिप सिर्फ ज़मीन पे रहने चाहिए और हाथों को स्ट्रेच करके पैरों को टच करवाने की कोशिश करेंगे और सांस भरते हुए वापस नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएंगे। ऑन द स्टमक मैं दो ही आसन्स करती हूँ, एक है भुजंग आसन और दूसरा है धनुरासन। भुजंग आसन में पेट के बल लेट जाएंगे और बाजू का सपोर्ट लेते हुए अपर बॉडी पार्ट को ऊपर उठाएंगे। स्टार्टिंग में आप थोड़ा हल्का लिफ्ट करें, लेकिन जैसे ही आपको प्रैक्टिस हो जाए तो आप हाई लिफ्ट ले सकते हैं। ये आसन हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है और मेटाबॉलिज्म ही हमारे वेट को बैलेंस करता है। धनुरासन यानी कि बो पोज में आपको अपने दोनों हाथों से दोनों पैरों को होल्ड करना है और पूरी स्ट्रेंथ लगाते हुए पूरी बॉडी को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है। याद रहे कि सिर्फ आपका पेट ज़मीन से लगा हुआ हो। सांस छोड़ते हुए हम बॉडी को लिफ्ट करेंगे और सांस भरते हुए वापस ज़मीन पे लेट जाएंगे। सिटिंग आसन स्टार्ट करने से पहले हम सुखासन में बैठकर 10 लंबे और गहरे सांस भरेंगे और उसके बाद वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन एक बहुत ही ईजी आसन है, जिसमें अपनी टांगों को फोल्ड करके अपने पैरों पे बैठ जाना है। कुछ देर इसी तरह बैठने की प्रैक्टिस करने से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होता है। उसके बाद हम करेंगे शशांक आसन, यानी कि हेयर पोज। वज्र आसन में ही बैठे बैठे आपको आगे को झुकना है, माथा ज़मीन पर और हाथ सीधे रहने चाहिए।
जितना हो सके अपनी बाजू को आगे की तरफ और हिप्स को पीछे की तरफ स्ट्रेच करने की कोशिश करें। सांस छोड़ते हुए झुकना है तो सांस भरते हुए वापस बैठ जाना है। नेक्स्ट है मर्चरी आसन, द कैट पोज। इसमें अपनी बॉडी का वेट अपने घुटनों और हाथों पे लेके आएंगे और इसी पोजीशन में सांस भरते हुए अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, जिसमें आपके अपर बॉडी पार्ट में भी तनाव आएगा, और सांस छोड़ते हुए अपनी गर्दन को नीचे की तरफ बेंट करेंगे और अपनी पीठ को हल्का फोल्ड करेंगे। इस प्रक्रिया को जितना कंफर्टेबली कर सकते हो उतनी बार दोहराएं। ये सिंपल पोज हमारे ब्रेन को पावर अप करता है और फोकस, कोऑर्डिनेशन एंड मेंटल स्टेबिलिटी बढ़ाता है। नेक्स्ट आसन है वक्र आसन, द ट्विस्टिंग पोज। इस आसन में दोनों टांगों को सीधे रखते हुए स्ट्रेट वे बैठ जाएं। उसके बाद एक टांग को हम फोल्ड करेंगे और दूसरी टांग एज इट इज़ रहेगी। जिस टांग को हम फोल्ड करेंगे उसी हाथ की सपोर्ट लेते हुए हम अपनी बॉडी को ट्विस्ट करेंगे विद द नेक, और दूसरे हाथ से फोल्ड की हुई एंकल को होल्ड करेंगे। सांस भरते हुए कुछ देर होल्ड रखें, सांस छोड़ते हुए वापस नॉर्मल पोजीशन में आएं। इसी तरह ये प्रक्रिया दूसरी तरफ भी दोहराएं। नेक्स्ट आसन है पश्चिमात आसन। इस आसन में भी अपनी टांगों को अपने आगे सीधा रखते हुए हम बैठ जाएंगे। अपने अपर बॉडी पार्ट को आगे की तरफ झुकाते हुए अपने हाथों से अपने पैरों को पकड़ लेंगे। जितना कंफर्टेबल लगे उतना करें। हो सकता है कि स्टार्टिंग में अपने पैरों को पकड़ने की बजाय आप सिर्फ अपने टोज को टच कर पा रहे हों, तो स्टार्टिंग में आपके लिए उतना ही काफ़ी है। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप वो प्रॉपर पोस्चर में आ जाएंगे। इसी आसन को आप सिंगल सिंगल लेग के साथ भी कर सकते हैं। योगा कर लेने के बाद हम करेंगे प्राणायाम, क्योंकि प्राणायाम के बिना योगा अभ्यास अधूरा है। जहां योग हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ देता है, वहीं प्राणायाम हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को स्ट्रांग बनाता है। एक्चुअल में तो ये हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की सफाई करता है। प्राणायाम एक ब्रीदिंग टेक्निक है जिसमें कपालभाति, अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम आप कर सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि इसके बारे में मुझे किसी को कुछ सिखाने की ज़रूरत है। इसके अलावा मैं सुदर्शन क्रिया करती हूँ और अपनी बहुत सी वीडियोस में पहले भी मैं इसके बारे में बात कर चुकी हूँ। आर्ट ऑफ लिविंग का एक अमेजिंग कोर्स है जिसे आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने कुछ साल पहले ही इसे सीखा था और तब से मैं इसे कंटिन्यू कर रही हूँ। इसके बाद आप लोग जानना चाहते हैं मेरी मेडिटेशन रूटीन। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बहुत बार कहा है कि हर किसी को मेडिटेशन ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह का स्ट्रेस लेवल आज हमारी सोसाइटी में है उससे बहुत से लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो मेडिटेशन एक ऐसा स्किल है जो आपको आपके थॉट्स पे कंट्रोल करना सिखाता है। थॉट्स को कंट्रोल करना आ जाए तो आपकी पूरी लाइफ आपके ही कंट्रोल में आ जाएगी, क्योंकि हमारे थॉट्स ही हमें नेगेटिव या पॉजिटिव एक्ट करने के लिए फोर्स करते हैं। इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट आप अपने एंगर इश्यूज़ पे देखेंगे। हमारे ब्रेन में हर वक्त जो थॉट्स की फाइट चलती रहती है, मेडिटेशन उसे डिक्रीज़ करता है और माइंड को रिलैक्स करता है। इसे आप दोनों पोजीशंस में कर सकते हैं, सुखासन में या फिर शवासन में। सुखासन में करें तो आपकी स्पाइन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, आंखें बंद रखें और फोकस अपनी सांस पे करें। नोटिस करें कि किस तरह से आपकी सांस आ रही है, जा रही है, और कुछ भी आपको सोचने या ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग में कोई ना कोई थॉट्स या कोई ना कोई आवाज़ आपको डिस्टर्ब करेगी, डिस्ट्रैक्ट करेगी, तो आपने उन थॉट्स को, उन आवाज़ों को आने देना है। फोर्सफुली उन्हें अपने दिमाग से हटाने की कोशिश ना करें, क्योंकि जितनी फोर्स के साथ आप उनको हटाने की कोशिश करेंगे वो डबल फोर्स के साथ वापस आएंगी। सो थोड़ी देर उन थॉट्स को अपना काम करने दें और वापस से अपनी सांस पे फोकस करने की कोशिश करें। याद रखें, मेडिटेशन एक या दो दिन की प्रैक्टिस नहीं है। इसमें किसका कितना टाइम जाएगा कुछ पता नहीं, यह हर पर्सन के एनवायरनमेंट और स्ट्रेस लेवल पे डिपेंड करता है। लेकिन डेली प्रैक्टिस से आप अपनी थॉट्स को कंट्रोल करके मेडिटेशन करना सीख जाएंगे, और एक दिन आपका फोकस आपकी सांस से भी हट जाएगा और उस दिन आप कुछ ऐसा महसूस करेंगे जो आपकी इस दुनिया से बिल्कुल अलग होगा, और उस दिन आप समझ जाएंगे कि लोग मेडिटेशन क्यों करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक लंबे टाइम तक मेडिटेशन कर पाना ही सही मेडिटेशन होती है। अगर आपने 15 मिनट अपनी सांस पे फोकस करने की कोशिश की और सिर्फ एक मिनट ही ध्यान लगा पाए, तो भी समझ लें कि आप सही डायरेक्शन में हैं। स्टार्टिंग में ये आपको थोड़ा मुश्किल लग सकता है, इन 2 या 3 महीने की रेगुलर प्रैक्टिस के बाद आप फील करेंगे कि आपने एक अमेजिंग चीज़ सीख ली है।
जिसने ज़िंदगी को देखने का आपका नज़रिया टोटली चेंज कर दिया है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।